अनंत तीर्थ कर्तृणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। भव्यात्माओं, हम और आप आज पंचम काल में जन्मे हैं, फिर भी विरासत में अहिंसा परमो धर्मः इस धर्म की शरण मिली है और भगवान महावीर के शासन में हम और आप अभी जन्मे हैं। आप और हम चिंतन करें कि अनादि निधन दो मंत्र हमारे पास हैं। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन शाश्वत है, अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इस मंत्र को कभी मत छोड़ें, हमेशा इसकी एक माला जरूर फेरें। एक माला नहीं तो कम से कम सुबह उठ करके, प्रातः उठ करके 9 बार और रात्रि में सोते समय 9 बार। ये तो नियम से जपे ही जपे। बाकी आचार्यों ने तो कहा है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते हर स्थिति में मन मन में नमोकार मंत्र जपते रहें। अपवित्रा पवित्रो वा स्वस्तितो दुस्तितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारः सर्व पापैः प्रमुच्यते। आप बोलते हैं ना, अपवित्र हो या पवित्र, अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में, अस्वस्थ अवस्था में हो या स्वस्थ अवस्था में, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते महामंत्र नमोकार मंत्र को जपते रहो। उसका देखिए अशुद्ध अवस्था में उच्चारण नहीं कर सकते, मन मन में उसका चिंतन, होंठ नहीं हिले जिह्वा नहीं हिले, मन मन में चिंतन अशुद्ध अवस्था में। और शुद्ध अवस्था में जोर जोर से बोलकर उच्चारण करो। आप सब ध्यान में रखो, कम से कम शाम को सब लोग मंदिर में बैठकर 1 घंटा या 1 नमोकार मंत्र की माला सामूहिक रूप में माइक से अवश्य करो। उसकी वर्गनाएं जहाँ तक पहुँचेंगी, शांति होगी, महामारी कोरोना जैसे रोग से आपको बचाव मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, समझे। आपके घर में आक्रमण नहीं हो पाएगा। महामंत्र की शरण लेते रहो, ये महामंत्र ही रक्षा करने वाला है। एक महामुनि ने एक ग्वाले को नमोकार मंत्र दिया और उसने जो है नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम इतना ही जपता रहा, पूरा मंत्र नहीं जप पाया। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। अकस्मात एक बार तालाब में अपनी गाय भैंसों को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते उसने प्राण छोड़े, तो मर करके पटना नगर में एक सेठ के घर में पुत्र हुआ। उसका नाम रखा सुदर्शन। सेठ सुदर्शन में हुए हैं, समझे। ग्वाले का जीव नमोकार मंत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन हो गया और वो सेठ सुदर्शन उसी भाव से मोक्ष गए हैं। पटना से मोक्ष गए हैं। पटना में कमलदह नाम से तीर्थ है, वहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। कितने वर्ष हुए? 2548 वर्ष लगभग हुए हैं। भगवान महावीर के शासन काल में ही मोक्ष गए हैं, समझे, सेठ सुदर्शन। तो नमोकार मंत्र का सहारा लेकर के नमोकार मंत्र को जपने वाला एक ग्वाला अगले भाव से ही मोक्ष प्राप्त कर ले, कितनी बड़ी बात है, बताओ आप। आज आपको नमोकार मंत्र मिला है। मैंने पहले भी घोषणा की थी यहाँ दिल्ली में जब थे सन 1996-97 में कि घर घर में दरवाजे पर नमोकार मंत्र अवश्य लिखो। चाहे पेंट से लिखाओ, चाहे आप कलम से लेखनी से लिख दो, केसर से लिख दो, चाहे सिलापट्टे उत्कीर्ण करा के लगा लो, लेकिन घर घर में, घर के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर, अपने दुकान के दरवाजे पर, ऑफिस में, कहीं पर भी, अपने प्रतिष्ठान में, चाहे मील हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी आपकी हो, सब जगह नमोकार मंत्र अवश्य लिखो। ध्यान में रखो, सब जगह नमोकार मंत्र लिखो, वो आपकी सुरक्षा करेगा। सुरक्षा कवच है नमोकार मंत्र। आजकल बहुत से लोग हाथ में कड़ा पहनने लगे, अब तो कम हो गया है। अरे आप अंगूठी में नमोकार मंत्र लिखवा लो और उसको पहन लो, छोटे से पेंडल में नमोकार मंत्र लिखवा लो, उसको पहनो गले में, हमेशा आपकी सुरक्षा होगी। समझे आप? हमेशा ध्यान में रखो महामंत्र नमोकार मंत्र, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अनादि निधन शाश्वत मंत्र हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और अंजन चोर का उदाहरण है, नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई और वो अंजन चोर सप व्यसनी महानिकृष्ट पापी प्राणी लेकिन उच्च कुलीन था। क्षत्रिय कुल में जन्मा था, राजा का बेटा था, लेकिन कुसंगति से सातों व्यसन उसमें आ गए। वेश्या सेवन, चोरी करना, परस्ती सेवन करना, शराब पीना आदि सब व्यसन उसमें आ गए। राजा ने उसे घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकता हुआ और व्यसनों में सरदार बन गया, व्यसन करने वाले लोगों में मुख्य बन गया। लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्मा था, राजकुल में जन्मा था, संस्कार थे। मौका आया, समय आया, पुनश्च नमोकार मंत्र को सिद्ध किया तो वो आकाशगामी विद्या सिद्ध करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। सुमेरु पर्वत की वंदना करके और गुरु का उपदेश सुना, मुनि दीक्षा ली और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। आज भी सूरत के पास एक मांडवी करके गांव है, वहाँ उनका तीर्थ बना हुआ है। सुदर्शन ने, शेठ सुदर्शन, ये अंजन चोर ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। ध्यान रखें आप। तो बात यही है, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से सप्त व्यसनी भी व्यसन को छोड़कर साधु बन गए, उच्च कुलीन थे साधु बन गए और दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से कुत्ते जैसा प्राणी सुनते सुनते नमोकार मंत्र को प्राण छोड़े, कुछ अर्थ नहीं समझता था, अर्थ कुछ नहीं समझता था वो कुत्ता, सुनते सुनते प्राण छोड़े तो देव हो गया, उसी पर्याय से देव हो गया। जीवनधर कुमार ने उन्हें सुनाया था, यह भी घटना भगवान महावीर के समय की है, 250 वर्ष पुरानी घटना है, शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए हम पढ़ते हैं सुनते हैं। जीवनधर चंपू, जीवनधर चरित, समझे आप? तो आप ध्यान में रखें, नमोकार मंत्र को कभी मत छोड़ें, हमेशा बच्चों को भी रटाएं, पढ़ाएं, याद करा दें और घर घर में लिखें, दुकान पर, मकान पर, सब जगह लिखें और हमेशा जो है उसको जपते रहें। आपके पुण्य से, आपके सौभाग्य से नई कॉलोनी अहिंसा खंड नाम से, बहुत अच्छा लगा नाम। मैं तो समझती हूँ यहाँ सब अहिंसक ही होंगे अधिकतम, जैन तो अहिंसक रहते ही हैं, नान जैन भी इस नगरी में रहने वाले, उनके भी अहिंसा के संस्कार बनेंगे। अहिंसा अहिंसा सब सुनते सुनते उनकी भावना बनेगी, कभी ना कभी वो भी अहिंसक बन जाएंगे जो मांसाहारी होंगे यहाँ जैनेतर भी, क्योंकि संगति का और वातावरण का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है और वो भी सुधर जाते हैं। पापी प्राणी, पामर प्राणी भी सुधर जाते हैं। जब कुत्ते जैसा जीव सुधर गया तो क्या बड़ी बात है। तो ये नाम बड़ा सुंदर है आपका, अहिंसा को, अहिंसा खंड। बात यही है कि अपने यहाँ नाम वैशाली भी है जो भगवान की ननिहाल है, और यहाँ जो है अच्छे अच्छे नाम लोग रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कैलाश नगर, समझे, भगवान जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, इसे पर्वत का नाम है। तो बात यही है कि चाहे कॉलोनी के नाम हो, चाहे व्यक्ति के नाम हो, चाहे किसी के नाम हो, उसका भी असर पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। यही दिल्ली की घटना है, एक नवयुवक, पुराने जमाने की बात है, कई लगभग 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष बाद तो मैं अभी आई हूँ और सन 1972 में आई थी मैं, तब से अनेक लोगों के परिचय थे। एक यहीं का नवयुवक मेरा भक्त था, उसका नाम था ऋषभ, ऋषभ नाम था। एक दिन कहीं पार्टी के साथ में और होटल में बैठकर खाना खाने बैठा, तो वहाँ उसके थाली में परोस दिया गोभी आलू। तो वो कहता है कि वो अपने चिंतन करता है कि मेरा नाम तो ऋषभ है और मैं एक सब कैसे खाऊं, घर में तो कभी बनता नहीं है, घर में तो हमेशा साग सब्जी रोटी अच्छे खाने का था। तो उसने थाली हटा दी और बिना भोजन के चला गया और आकर मेरे को बताया, माता जी आज मैं भोजन छोड़ आया, होटल में गया था हम छोड़ आया, मैं तो होटल में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? गोभी रखी थी आलू रखा था, मेरा नाम ऋषभ है, मैं कैसे खाऊं? मैंने कहा नाम का प्रभाव देखो, उस बालक पर उस युवक पर नाम का प्रभाव पड़ा। ऐसे ही कितने लोग चिंतन करते हैं, नाम का प्रभाव पड़ता है, कभी कभी भगवंतों की भक्ति का प्रभाव पड़ता है, कभी अपने पिता के और माता पिता के जबरदस्ती से भी प्रभाव पड़ता है। अगर रात में बच्चा भोजन मांगता है, कहते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे, रोता है, कई बार नहीं देते हैं, रो करके सो जाता है, कहते सो जाओ सुबह देंगे। तो संस्कार बनते हैं। बात यही है, हमें और आपको विरासत में जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। और अब समझ लीजिए कि हम लोग जो है अब निकट संसारी हैं, बहुत कम संसार रह गया है। जल्दी से जल्दी निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके निश्चित ही संसार के चतुर्गति से छूट जाएंगे, ये निश्चित विश्वास रखना, समझे। और इस विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। एक बार एक विद्वान आए यहाँ, वो भी पुरानी बात है, 10 दक्षिण में 20 वर्ष पहले मैं यहीं दिल्ली में थी, कम्मोजी की धर्मशाला में चांदनी चौक में। उन्होंने मंदिर में कह दिया, पता नहीं मैं कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है ये भी मुझे पता नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ ये भी मुझे पता नहीं, मेरे सम्यक दर्शन है कि नहीं कौन जाने, भगवान जाने। और उपदेश अपना करते रहे लंबा चौड़ा, 10 लक्षण का पर्व था। उनका उपदेश सुनकर के लाल मंदिर से महिला आई, मेरे से कहने लग गई। मैंने कहा ना, तुम ये विश्वास रखो कि हम सम्यक दृष्टि हैं और अल्प संसारी नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, ये विश्वास रखो। फिर मैंने पंडित जी को बुलाया, मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा देखो अणुवृत्ति सम्यक दृष्टि देवगति को छोड़कर किसी गति में जाएगा क्या? आपका सिद्धांत क्या कहता है? आपने गोमर साल में क्या पढ़ा है? सोचने लग गए, बोले ठीक है माता जी। तो उन्होंने कहा तुमने कैसे कहा कि मुझे समय दर्शन है कि नहीं कौन जाने, मैं किस गति में जाऊंगा कौन जाने? बोले कह तो दिया। तो हमने कहा आपको विश्वास नहीं है क्या अपने ऊपर कि हम सम्यक दृष्टि हैं? विश्वास करो, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व का त्याग करो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु इनकी शरण में रहो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बोले मैं तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हूँ, मैं तो मिथ्यात्व का त्यागी हूँ। तो मैंने कहा तो आप निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे, आप क्यों आशंका करते हैं मन में? बोले आज से ऐसा नहीं बोलेंगे। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो, जिनवाणी में जो लिखा है वो अन्यथा नहीं हो सकता, ये नियम है। सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे, नमोकार मंत्र की शरण लेने वाले देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे, समझे। और निकट संसारी हैं, जल्दी ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, चतुर्गति से छुटकारा प्राप्त करेंगे, ये विश्वास रखो। इस विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या समझे? मिथ्यात्व का त्याग कर देना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आपके भगवान विराजमान है, उनसे मांगो, जो मांगना है सो मांगो, सब मिलेगा। क्या नहीं देंगे? आप मांग कर देखो, भक्ति करो, सच्ची भक्ति करो, जो मांगो सो मिलेगा, सब कुछ देंगे। जब मोक्ष को दे सकते हैं तो क्या नहीं देंगे? भगवंतों की भक्ति सब कुछ देगी। भगवान तो बीतरागी हैं, भगवान कुछ देते नहीं है, उनकी भक्ति सब कुछ देती है, ये ध्यान रखो। भक्ति से सब कुछ होता है। मानतू के 48 ताले टूटे कि नहीं, ये पंचम काल की घटना है कि नहीं, बताओ। पूज्यपाद स्वामी के नेत्र ज्योति जली गई थी, शांति भक्ति का पाठ किया, शांतिनाथ की भक्ति की 8 श्लोक बनाए और नेत्र में ज्योति आ गई। शांति जनम सत निर्मल वक्त्रम शीर गुणाव्रत संयम पात्र पूज्यपा स्वामी ने बनाए, नेत्र की ज्योति आ गई। ये सब पंचम काल के उदाहरण हैं। हमने अनेकों प्रत्यक्ष में उदाहरण देखे हैं। भक्ति के फल से सब कुछ होता है। आप हमारी भक्ति से ही तो आज आपकी भक्ति, हमारी और आपकी भक्ति से ही भगवान ऋषभ जो प्रकट हुए हैं 108 फुट के, ध्यान रखना। हमारी और आपकी भक्ति से ही भगवान प्रकट हुए हैं। आपकी भक्ति से ही भगवान भरत खड़े हो गए कोरोना काल में भी, पंचकल्याणक हो गया, निर्विघ्न सारे कार्य हो गए। आपने खूब मस्तकाभिषेक किया, खूब आनंद लिया। जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, इसे भरत भगवान खड़े हो गए। कोरोना काल में हमारा आना, सब निर्विघ्न कार्य होना और निर्विघ्न विहार हो जाए, यही भावना आप लोग गाते रहो। तो ये हमारा भगवान भरत की, चक्रवर्ती भरत, एक चक्रवर्ती भरत के श्री चरणों को छोड़कर अब हम तीन चक्रवर्ती जहाँ हैं। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे ना, और कुंथुनाथ भगवान चक्रवर्ती थे ना, और अरेनाथ भगवान भी तो चक्रवर्ती थे, तीन तीन पद के धारक थे ना। उनकी शरण में अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो भव्यात्माओं, आपके यहाँ का मेरा आगमन मंगलमय हो आपके लिए, हमारे लिए, और हमारा ये श्री विहार जो हस्तिनापुर के लिए भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों पर जाने के लिए हो रहा है, श्री चरणों के निकट, वो भी हमारा मंगलमय हो। और भगवान भरत आपके दिल्ली राजधानी का, विश्व का मंगल करें, कल्याण करें। इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत करना है। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पुरुदेवाय नमः। अहिंसा प्रधान मेरी इंडिया महान है, अहिंसा प्रधान, अहिंसा प्रधान मेरी इंडिया महान है, अहिंसा प्रधान में इंडिया में जन्मे महावीर और राम हैं, इंडिया में जन्मे महावीर। यहाँ की पवित्र माटी बनी चंदन, उसे करो सब नमन। यहाँ की पवित्र माटी बनी चंदन, उसे करो सब नमन। यह अहिंसा खंड है और मुझे लगता है मेन रोड पर भी है, जहाँ से भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर की अहिंसा सदा गुंजायमान होगी। भारत देश अहिंसा प्रधान ही देश है। जहाँ कभी बहती थी दूध की नदियाँ, जहाँ कभी, वहीं अब करुणा की मांग करे दुनिया, वहीं अब करुणा की मांग करे दुनिया। अत्याचार पशुओं पे होगा कब खत्म, इसे करो सब नमन। अत्याचार पशुओं पे होगा कब खत्म, इसे करो सब नमन। अब दोबारा अपने आप बोलिए लाइनों को। अहिंसा, अहिंसा प्रधान मेरी, अहिंसा प्रधान मेरी इंडिया में जन्मे महावीर और राम हैं, इंडिया में। यहाँ की पवित्र माटी बनी चंदन, इसे करो सब नमन। यहाँ की पवित्र माटी बनी चंदन। हम जिस देश के अंदर रहते हैं, हमने उसको इंडिया कहा। इंडिया नाम किसने रखा? अंग्रेजों ने। इस देश का नाम वास्तव में क्या है? भारत। भारत से पहले इसका नाम क्या था? हिंदुस्तान, अजनाब वर्ष, आर्यावर्त, भारत, ये सब नाम इस देश के रहे हैं। महाराजा नाभि राय के नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा। आर्यखंड के अंदर भारत देश है, इसलिए इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। हिंदुओं ने देश को आजाद करने में अपना प्रथम अपनी भूमिका निभाई, तो इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। और भगवान भरत, जो भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। यहां सदा सदा से तीर्थंकर, भगवंत, संत जन्म लेते आए। एक सज्जन विदेश से आए। हम हस्तिनापुर में थे, बहुत ही प्रसन्न हुए दर्शन करके, उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। हमने पूछा कि क्या बात है? बोले माताजी, हम पैसा कमाने के लिए तो विदेश में, अमेरिका में जाते हैं, किंतु वहां भी भारत के प्रति असीम श्रद्धा रहती है, और जब हम भारत देश की धरती पर आते हैं तो इसे चूम लेने का मन करता है, क्योंकि यही हमारे ऋषि, संत और भगवंतों ने जन्म लिया है। सब कुछ अमेरिका में मिलता है, लेकिन आध्यात्मिकता का वातावरण वहां नहीं मिलता। आध्यात्मिकता को लेने के लिए भारत देश पर्याप्त है। जहां से आध्यात्मिकता का निर्यात हुआ करता था, अहिंसा का निर्यात हुआ करता था, और आजादी के कुछ सालों के बाद वहां से हिंसा निर्यात हो रही है, यानी मांस का भी निर्यात हो रहा है। ये एक दुख की बात है कि आज कृषि विभाग के अंदर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इन केंद्रों को लिया गया, पालन के नाम पर मारण हो रहा है। कहते हैं कि मुर्गी पालन केंद्र है और वहां से अंडे बेचे जा रहे हैं, मुर्गियां मारी जा रही हैं। तो ये पालन हुआ कि मारण हुआ? मारण हुआ ना। तो ऐसे देश के अंदर आज संत ही हैं जो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और जब जब राजनीतिक नेतागण संतों के पास आते हैं तो उन्हें कुछ शिक्षाएं ऐसी शाकाहार की, अहिंसा की, आध्यात्मिकता की शिक्षाएं दी जाती हैं। ज्ञानमती माताजी ऐसी साध्वी हैं जिनके पास चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, बड़ी संख्या में आए। 4 बार राष्ट्रपति आए, 2 बार तो रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई, मांगी तुंगी में आए सन 2019 में। और अभी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ज्ञानमती माताजी को ससम्मान आमंत्रित किया। देश में पहली बार राष्ट्रपति भवन के अंदर उद्बोधन प्रदान करने के लिए ज्ञानमती माताजी गईं। ये ज्ञानमती माताजी नहीं, आपके दिगंबर जैन संतों से वह भवन पवित्र हुआ। बताया गया, वहां के ऑफिसर्स ने बताया क्या जिस कक्ष में पूज्य माता जी ने कुछ सीक्रेट बातें राष्ट्रपति जी से की, वहां कई बार दलाई लामा राष्ट्रपति भवन में आए, शंकराचार्य आए, लेकिन उस कक्ष के अंदर कभी उन्होंने मुलाकात नहीं की। केवल मोदी जी के साथ कभी कभी वहाँ राष्ट्रपति जी प्राइवेट कक्ष में मुलाकात करते हैं, लेकिन आज ज्ञानमती माता जी के वहाँ ससम्मान चटाइयाँ बिछी थीं, जहाँ रेड मैट हुआ करती है। रेड मैट के अलावा राष्ट्रपति कहीं पैर नहीं रखते, वहाँ चटाइयाँ बिछी हुई थीं, लकड़ी के पाटे रखे हुए थे, बिना चप्पल पहने वे तीनों जने आए, राष्ट्रपति जी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और सारे ऑफिसर। जब राष्ट्रपति खुद चप्पल नहीं पहने थे तो सब लोग प्रोटोकॉल तोड़ करके और राष्ट्रपति भवन की गरिमा गौरव में चार चांद लगने जैसी अनुभूति कर रहे थे। तो किस लिए? त्याग, संयम, साधना। इससे ज्ञानमती माता जी महान नहीं हो गई, इससे जो है देश के आध्यात्मिक वैभव की प्रतीति हुई और जैनियों का मस्तक गौरव से ऊंचा उठ गया। कई बातों पर विचार विमर्श हुए। राष्ट्रपति जी ने कहा 70 साल की कठोर साधना करने वाली ज्ञानमती माता जी को मेरा बारंबार नमन है। वे अपने नियमों के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार कनॉट प्लेस जैसे स्थान पर नहीं आ सके। बताया कि 4-5 घंटे तक यहाँ के रास्ते हमें बंद करने पड़ते, इतना सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ हम 4 घंटे नहीं बंद कर सकते। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन बुलाया और उसके बाद 4-5 दिन के बाद अपनी पुत्री को उस स्थान का, भरत भगवान का दर्शन करने के लिए भेजा। जब वो स्वाति गोविंद, उनकी पुत्री आई, परम हर्ष से विभोर हो गई और कहने लग गई कि माता जी, पापा कह रहे थे कि बड़ी क्यूट सी माता जी हैं। तो प्रेम जब माँ का छलकता है तो हर माँ अपने बच्चे को क्यूट ही लगती है, और इनके अंदर माँ की ममता, गुरु का वात्सल्य, दोनों ही देखने को मिलते हैं। आज हम अहिंसा खंड में आए। अभी तक हम बिहारों में रहते थे, खंड में तो कल और आज ही आए हैं, एक नीति खंड और एक अहिंसा खंड। लेकिन जरूर है, खंड माने पाठ, और इस पाठ से, इस अहिंसा के खंड से अहिंसा की गूंज, आदिनाथ भगवान की अहिंसा, इस देश की नेचुरल संस्कृति जो अहिंसा है, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर गुंजायमान होगी। एक बात कह करके मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगी, और यहाँ से चूंकि बिहार भी होने वाला है। नमन गुरुओं को करने से उच्च गति प्राप्त होती है, नमन गुरुओं को करने से उच्च गति प्राप्त होती है, दान आहार आदि से भोग की प्राप्ति होती है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। देखो माता जी समय की बहुत पंक्चुअल हैं, और 2 बजने वाले हैं उससे पहले वे पधार गईं भगवान के दर्शन करके आप सबको आशीर्वाद करने देने के लिए। गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है, गुरु की पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है, भक्ति करने से सुंदर रूप से युक्त काय मिलती है, भक्ति करने से सुंदर रूप से युक्त काय मिलती है। तो ऐसे भक्ति करके उच्च गोत्र का आश्रय करें, सबके उच्च कुल में जन्म हो, शरीर और आत्मा दोनों सौंदर्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि एक प्राचीन प्रतिमा के रूप में 70 साल पुरानी दीक्षा वाली ज्ञानमती माता जी आपके सामने केवल 2-4 मिनटों के लिए विराजमान हो रही हैं। उनका आशीष लेकर आप सबके मस्तक पावन बन जाएं, ऐसी पूज्य माता जी से प्रार्थना है। सब लोग बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की